Hello dear students, myself Shefali Mendiratta, Assistant Professor of Sociology in Maheshwari Girls PG College. Today I am again here in front of you with a new topic called slums. Slums, जिसे हम हिंदी में मलिन बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, ये इस नाम से भी जानते हैं. तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं. अगर एक सिंपल डेफिनेशन देखें हम स्लम्स की या मलिन बस्तियों की, तो उसे कहा जाता है कि एक ऐसा बहुत ही गंदा, जहाँ पे बहुत मतलब इस तरह की गंदगी है कि जो कई सालों से, कई महीनों से हटी नहीं है, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं. और ये इस तरह की बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? शहरी इलाकों में, लेकिन उनके मार्जिनल प्लेसेस पे पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो गरीब होते हैं, जिनका जो जीविका है या उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही निम्न है. अगला आता है हमारा कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, तो स्लम जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं. जैसे वहां पे आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपको वहां पर बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं मिलेगी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अलग होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है जो वहां का जो ढांचा है, जो एक संरचना है वहां की, वो बिल्कुल अलग मिलेगी. बहुत ही गरीब लोगों का वहां पे निवास स्थान है, इसीलिए उनके जो मकान है वो भी बहुत जर्जर अवस्था में, टूटे फूटे मिलेंगे. और एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हुए मिलेंगे, और वो ऐसी जगह है कि अगर जोर से बारिश आ जाए, जोर से हवा आ जाए, या बहुत ऐसा कुछ पानी या बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो वो बेचारे मकान टूट जाते हैं या बह जाते हैं पानी में, या हवा में अगर जोर से आंधी तूफान आता है तो उड़ जाते हैं. इस तरह का स्थान. दूसरी एक डेफिनेशन है जो हमारे अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे बर्गेल, उनके अनुसार है कि स्लम एक ऐसा एरिया है जहां पर कि जो एक एक आदमी को जो रहने के लिए जो आधुनिक मतलब एक मूलभूत चीजें चाहिए होती हैं, उससे भी ज्यादा नीचे लो लेवल की वहां पे उसको चीजें मिलती हैं. और ये ऐसा जो है वो शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है. स्लम्स के हमारे देश में अलग अलग जगहों पे बहुत नाम से जाना जाता है. जैसे आपने सुना होगा मुंबई में इसको चौल या चाल के नाम से जानते हैं, दिल्ली में इसे कटरा कहते हैं, कोलकाता में बस्ती के नाम से जाना जाता है, चेन्नई में पेरी के नाम से जाना जाता है, कानपुर में इसे अहाते कहा जाता है, इवन जो हमारे खदान क्षेत्र हैं वहां पे जो इस तरह के गंदी बस्तियां हैं उन्हें धोबरा कहते हैं, और जो बागानी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी बागवानी होती है उन क्षेत्रों में इसे बैरक्स कहा जाता है. स्लम्स की करेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण या उसके लक्षणों की बात करें, तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो होता है वो एक मुख्य धारा से अलग हो, कहीं शहरों के बिल्कुल किनारों पे जहाँ की मुख्य बस्ती नहीं पाई जाती, वहां ये स्लम्स पाए जाते हैं, तो सोशली आइसोलेटेड हो गए. इसके अलावा वहां जो आपने देखा होगा मकान बने होंगे या घर बने होंगे या जो भी है, वो बिल्कुल अनप्लान्ड अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसको किसी भी तरीके से प्लान नहीं किया गया, ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने, ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वहां पे कोई इस तरह का काम किया है. डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और लोगों के लिए बिल्कुल छोटी सी जगह में रहना होता है उनको, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. वहाँ के लोगों की जो जीवन चर्या है वो बिल्कुल ही अलग होती है, जो एक आम आदमी से हटके होती है. उनके पास मुख्य जो आधारभूत चीजें हैं, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से उनका जुगाड़ हो पाता है, एक तरह से होती ही नहीं है. उन्हें साफ पानी भी नहीं मिलता, इसीलिए वो कहा जाता है कि वो बहुत ही अनहाइजीनिक, बहुत गंदे से वातावरण में रह रहे होते हैं. उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत लो होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. पैसा हो तो वो अच्छी जगह जाके रहे, पर उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो एक अपना बस गुजारा कर रहे होते हैं, बस एक रहने की उनको जगह मिल रही होती है. और इसीलिए जब इतना हाईली पॉपुलेटेड है, वहां पे इतनी गंदगी है, वहां तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, बहुत गंदा वातावरण है, तो वहां हर तरह की जो बुराइयां हैं, हर तरह की आपका वो जो दोष हैं वो वहां पाए जाते हैं. वहां के लोगों में आप देखोगे कि वहां पे चोरियां भी इस तरह के जो करने वाले लोग हैं वो वहां मिल जाएंगे आपको, ब्लैकमेल करने वाले, अपहरण करने वाले, और इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पे मतलब एक तरह से जो नैतिक कर्तव्य और मूल्य वाली बात है वो वहां पे उनका अभाव पाया जाता है. नेक्स्ट आता है कि क्यों होते हैं स्लम्स, क्यों होते हैं, तो उसके पीछे सबसे पहला जो मुख्य रीजन है वो है गरीबी.
क्योंकि वो व्यक्ति या वो जो परिवार है वो गरीब है, उसके पास रोज के अपने खाने के पैसे नहीं है, तो वो बाकी मुख्य आधारभूत वस्तुओं पे खर्च करने की बजाय अपने खाने पीने पे ज्यादा वो उसको महत्व देता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं पहले अपनी रोजी रोटी कमा लूं, अपना पेट भर लूं। रहने के लिए तो उसको टूटा फूटा कच्चा छप्पर जैसा मिल जाता है वो रह लेता है। ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि आज जब लोग शहरों में आते हैं, आपको पता है अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण लोग गांव से शहरों की तरफ आ गए हैं, तो वहां पर उनके इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि उनके पास रहने को जगह नहीं है। रहने को जगह नहीं है तो फिर उनको जाके ऐसी कच्ची बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। और इसमें एक बहुत बड़ा दोष है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे प्रशासन का, कि उनके द्वारा उनका देखा नहीं जाता, उनकी जो समस्याएं हैं उनको इग्नोर किया जाता है, इसलिए भी इनकी वृद्धि हो रही है। मैं जो अगर हम कहें कि वहाँ की जो सरकार है वो भी इसमें फेल हो रही है, वो उनको अगर आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराए, उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दे, तो उनको वो ऐसे स्थानों पे, गंदे स्थानों पे कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। ऐसी में एक चीज और आती है कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जिनके ये वर्कर्स होते हैं जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और क्योंकि उनको मजबूरी में उन फैक्ट्रीज के आसपास रहना पड़ता है, तो अगर फैक्ट्री ओनर्स चाहें तो वो इन लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो प्रोवाइड करा भी रहे हैं, पर अधिकतर लोग नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए उन गरीब लोगों को ऐसी कच्ची और मलिन बस्तियों में जाके रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो एक मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनमें साफ रहने की और अच्छे से रहने की अच्छी जो चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उनकी उनको नॉलेज ही नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आते हैं कि अगर स्लम्स होते हैं किसी जगह पे, किसी स्थान पे, तो उससे क्या नुकसान होता है। तो सबसे जो बड़े नुकसान तो यही है कि वहां के लोग जो है वो समाज से कट जाते हैं, उनको समाज एक तरह से अलग कर देता है कि ये हमारे साथ उनके नहीं है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बाकी अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। इसी प्रकार उनके उनकी फैमिली का, उनका खुद का भी विघटन होता है, क्योंकि वहां पे हमने जैसे पहले पढ़ा कि उन लोगों में सोशल और मॉरल एथिक्स की कमी हो जाती है और तरह तरह की बुराइयां और दोष आ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे समाज के साथ साथ उनका खुद का भी, इंडिविजुअल भी विघटन चालू हो जाता है। और ऐसे स्थान जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज के केंद्र बन जाते हैं। हर तरह की बुराइयां, हर तरह के जो बुरे व्यक्ति हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, गलत काम करने वाले लोग मिल जाएंगे सब। और यहाँ के लोगों में हेल्थ और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स भी होती है। इवन जो यहाँ रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो बड़ों को इस तरह का कार्य करते देखते हैं, तो वो भी गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाते हैं और उनको भी इस तरह की बुराइयां और गलत जो कार्य हैं उनका आदत पड़ जाती है, तो वो भी एक तरह से बाल, जिसको कहना चाहिए वो बाल जो क्राइम है, अपराध है, उसमें भी वृद्धि हो। नेक्स्ट आता है कि यहाँ के लोग जो हैं उनकी धीरे धीरे जो है वो क्षमता जो है कार्य करने की वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो नशा भी करते हैं, वो चोरी भी कर रहे हैं, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य भी नहीं रहता क्योंकि इतनी गंदे स्थान पे रहते हैं, उनको पूरा एक पोषक जो खाना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, तो वो उनकी धीरे धीरे शारीरिक क्षमता भी समाप्त होने लगती। बहुत ही छोटे स्थान पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो यहाँ पे एक जो प्राइवेसी की बात है वो भी नहीं रह पाती, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक जगह पे एक छोटे से कमरे में रहेंगे तो प्राइवेसी कैसे होगी। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ इलिटरेसी रेट, यानी कि जब वो लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो शिक्षा की तो वो सोच ही नहीं सकते, और घर के छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ कार्य करने में, कहीं कोई किसी दुकान पे लगा हुआ है, कोई किसी घर में लगा हुआ है, सब कहीं ना कहीं जाके पैसे कमाने में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ की जो रेट है वो जो अशिक्षा की रेट है वो बढ़ रही है बजाय शिक्षा की दर बढ़ने के। और इन सब के कारण क्या होता है, विश्व में देश की इमेज खराब होती है, लोग जब देखते हैं इस तरह की गंदी मलिन बस्तियों को तो उससे ये पता लगाते हैं कि देखो वहां की सरकार अपने देश के लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सक्षम नहीं है, तो इससे एक तरह से देश की इमेज भी खराब होती है, देश की जो जो एक इमेज है उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर हम इनको दूर कर सकते हैं,
सरकार चाहे तो वो भी दूर कर सकती है कि जैसे सबसे पहले तो जो जितने भी लोग हैं उन सबको एक बहुत अच्छा नहीं लेकिन एक बेसिक जो है उनका रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए उनको एक अच्छी सुविधाएं, पक्के मकान उपलब्ध करवा सकती है, उनको बहुत कम रेट के ऊपर लोन फैसिलिटीज दे सकती है ताकि अगर थोड़ा सा भी उनके पास पैसा है तो वो अपने लिए अच्छी जगह पे या वहीं पे एक अच्छा पक्का मकान बना सके, अच्छी सैनिटेशन व्यवस्था कर सके ताकि वो अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में रहें और जो बीमारियां हैं उनसे बचें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वहाँ पे स्कूल और डिस्पेंसरी खोलने चाहिए गवर्नमेंट को अधिक से अधिक, ताकि लोगों को बीमारी के समय में वहाँ पे उनको तुरंत इलाज मिल जाए। दूसरा जो बच्चे हैं उनके, उनको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो सके ताकि हम जो इलिटरेसी रेट है उसको कम कर सके। इसके अलावा सरकार को और प्रशासन को अच्छी निकासी, पानी निकासी की, कचरा निकासी की, इन सब की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो साफ अच्छे वातावरण में रह सके। भले ही वो गरीब हैं लेकिन उनको भी अधिकार है कि वो स्वस्थ वातावरण में रह सके। इसी प्रकार उनको स्वस्थ अच्छा साफ पानी पीने को मिल सके, उनको वहाँ के लोगों को जाके समय समय पे, सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ये सामाजिक कार्यकर्ता, बल्कि अपने जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, उन सबका भी कार्य होना चाहिए कि समय समय पे जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं कि आप लोग अगर अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रहेंगे तो आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। अदरवाइज वहां पे नशा और लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश इन सब के कारण सब जो है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सब को एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो स्लम है वो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का कार्य करते हैं कि आप देखोगे कि वो जाके लोगों को कहेंगे कि मतलब हमारे पास, अगर हम देखें विदेशों में देखें तो वहां ये समझ में आता है कि अगर गरीब भी है तो भी वो बहुत अच्छी सुविधाओं में रह रहा है, लेकिन अगर यदि वो अमीर है तो उसको सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सरकार चाहे तो हमारे जो देश के गरीब लोग हैं उनको भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।